नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। हर जगह जो भक्ति माहौल अब व्याप्त है, पूर्णिया हो या पूर्णिया के अलावा अलग अलग जगह भारतवर्ष कह लें, तमाम जगह पर है जो दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। और पूर्णिया में किस तरह का माहौल है हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कोशी आलोक न्यूज़ के माध्यम से। अलग अलग जगहों पर जो है पंडाल किस तरह बनाए जा रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त है रजनी चौक पर किस तरह का पंडाल बन रहा है आप साफ तौर पर देख रहे हैं। कारीगर दिन रात कर मेहनत कर रहे हैं, पंडाल को बनाने में लगे हैं। हालांकि बारिश का मौसम होने के बावजूद सितंबर महीने में काफ़ी बारिश हुई थी, इस कारण भी परेशानियां आई थी। उसके बावजूद भी कारीगर लगे हुए थे, कलाकार जो बाहर से आके वो बना रहे थे। दुर्गा बारी की बात कर ली जाए तो दुर्गा बारी हर साल जो अलग अलग हैं पंडाल बनाया करती हैं, जो आप देख रहे हैं भिजोली में बहुत बड़ा पंडाल होता है, उसके कारीगर बाहर से आते हैं और पंडाल बनाने में लग जाते हैं। और किस तरह पंडाल बनाया जा रहा है, उस अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है, वो आप देख रहे हैं। अब कुछ ही समय बचा है, हालांकि नवरात्र जो है शुरुआत होगी 3 अक्टूबर से लेकर और अंतिम जो होगा 12 अक्टूबर। 9 दिवसीय इस महोत्सव में जो हैं लोग हैं काफ़ी भक्तिपूर्ण माहौल में रहेंगे। और सबसे बड़ी जो बात होती है कि माँ दुर्गा की मूर्ति के लिए, माँ शक्ति की रूप है और दुर्गा के दर्शन करने के लिए पूजा पंडालों में काफ़ी भीड़ उमड़ती है। और दुर्गा माँ की प्रतिमा को बनाने के लिए भी जो हैं अलग अलग जगह से जो लोग आते हैं, दुर्गा बारी में कोलकाता के जो है कुमार टोली से लोग आते हैं और 1 महीने पहले से यहाँ मूर्ति बनाई जाती है। और अब मूर्ति का अंतिम रूप देने की कोशिश की गई है, किस तरह आप देख रहे हैं माँ का जो है श्रृंगार किया जा रहा है रंगों के माध्यम से, उन्हें रंग से रंगा जा रहा है मूर्ति को, उनकी आँखें बनाई जा रही हैं, किस तरह वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, क्योंकि अब दुर्गा पूजा आने ही वाला है, इसको लेकर जो है पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है। वही बात कर ली जाए अब नवरत्न दुर्गा पूजा यानी DSA ग्राउंड में, वहाँ भी मूर्ति जो है तैयार हो रही है, जो मूर्ति बनाई जा रही है। यहाँ पर खास बात यह है कि जो मूर्ति बनाई जा रही है इसमें आप देखेंगे कि लड़कियाँ मूर्ति बना रहे हैं, हालांकि जो कला है किसी से छुपती नहीं है, वो पुरुष हो या महिला हो, लेकिन वहाँ पर एक पूजा नाम की लड़की है जो इस मूर्ति को बना रही है। वो अपने पिता जो है उनका जो है नाम काफ़ी फेमस है राम कुमार, वो इस मूर्ति को बनाते आए हैं और फेमस नाम है, उनसे वो सीखी हैं और बताती हैं कि बचपन से ये शौक रहा है और आज तक मैं इस मूर्ति को बनाते आई हूँ। और किस तरह ये काम कर रही हैं आप सीधे तौर पे देख रहे हैं, आइए इनसे हम बात करते हैं, इनको मूर्ति बनाना कैसा लगता है और जानते हैं। कितने दिन से प्रतिमा बन रही है? एक महीने से बन रही है। और पूर्णिया में कहाँ कहाँ बना है प्रतिमा? ऐसे तो अभी हम एक ही जगह का पूर्णिया बना रहे हैं और एक श्यामापुर जो है बावनगंज वहाँ का इस बार बना। इसको बनाने में कितना समय लगता है, क्या है? अच्छा से अगर हम लोग करेंगे तो 10 दिन में हो जाए एक प्रतिमा। अच्छा, ये नवरत्न काली पूजा समिति की है? जी हाँ। ये हर साल यहाँ आप लोग बनाते हैं? यहाँ पे ऐसे DSA ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। और क्या क्या चीज़ की मूर्ति बनाती हो? जैसे अभी दुर्गा माँ का सीजन है तभी दुर्गा माँ का प्रतिमा बनाते हैं, काली पूजा आता है तो काली माँ का प्रतिमा बनाते हैं, जैसा सीजन उस टाइप का प्रतिमा बनाते हैं। कैसा लगता है माँ का प्रतिमा बनाना? बहुत अच्छा। ये नारी शक्ति की पूजा है, माँ दुर्गा एक शक्ति का रूप में है, आप भी एक शक्ति हो, और शक्ति को शक्ति बनाना कैसा लग रहा है? बहुत। नवरात्र में क्या ऐसे क्या क्या होता है, जहाँ जहाँ भी प्रतिमा बैठती है वहाँ वहाँ दर्शन करने जाना? जी हाँ। और खासकर जब इस मंदिर में आकर जो मूर्ति बनाई हो उसका दर्शन कर उस समय कैसा फील होता है? हम लोग को तो यकीन ही नहीं होता कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, पर वो अपना रूप माँ खुद ही अपना ले लेती है जैसा चाहते हैं। कब से बना रहे हो ये? ये काम हम लगभग 8 साल 9 साल से कर रहे हैं। इस क्षेत्र में आने की रुचि थी या पापा को देखते? हमको रुचि भी था और पापा का काम देख देख के ही हम सीखे हैं उन्हीं से। तो आपने पूजा से तमाम जानकारी ली, उनको मूर्ति बनाना बहुत ही अच्छा लगता है, बचपन से वो मूर्ति बनाते आई हैं 8 साल की उम्र से। उनको उनके पिता एक कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं, रामू मूर्तिकार के नाम से काफ़ी फेमस है। सरस्वती जी की प्रतिमा हुआ या अन्य प्रतिमा हो वो काफ़ी अच्छे से बनाते हैं, इस कारण उनकी जो बेटी हैं पूजा और 2 भाई भी हैं बहन भी, वो मिलकर ये काम को करते हैं और उनको अच्छा लगता है। अब हम दुर्गा बारी की बात कर ले, जो दुर्गा बारी में आपको जो हमने प्रतिमा दिखाई, जो कोलकाता से कलाकार आते हैं, जो कुमार
जो नगर है कुमारपुर है, वहाँ पर वहाँ से कलाकार आते हैं, मूर्ति को बनाते हैं। काफ़ी जो इनकी मूर्ति है अलग टाइप की होती है, क्या खास होती है, जो कलाकार आए हैं उनसे हम बात करते हैं। तो ये कितने सालों से ये काम कर रहे हैं, माँ दुर्गा की मूर्ति बना रहे हैं? 12 साल से कर रहे हैं। और भट्टा दुर्गा बारी में कितने सालों से? भट्टा दुर्गा बारी 12 साल और हम लोग इनबॉर्न करते हैं। तो कहाँ से हैं और कितने जगह दुर्गा पूजा में प्रतिमा बनाते हैं? लगभग 65 जगह दुर्गा प्रतिमा करता है। हम लोग कुमारटुली के से आए, कोलकाता के कुमारटुली प्रसिद्ध जगह से आ रहे हैं। तो 65 जगह जो मूर्ति बना रहे हैं, तो आप सब जगह बारी बारी से जाते होंगे कि आपकी टीम है? सब जगह बारी बारी नहीं जाती है, तो लगभग 30-40 जगह बनने जाते हैं, बाकी सब आपके आदमी होते हैं ना। बाकी अच्छा, ये जो मूर्ति बना रहे हैं, कितने दिनों से इसमें लगे हैं बनाने के लिए? यहाँ पर 15 दिन 15 दिन लगातार काम करके इसको जा रहे हैं। अभी तो देख रहे हैं माँ का प्रतिमा में पेंटिंग की जा रही है, अब मुकुट वगैरह सब बचा हुआ है, साड़ी भी लगभग पहन ली, तो ये कब फिर कंप्लीट करेंगे? ये 60 दिन सुबह कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप लोग चले जाएंगे। जब आप लोग माँ का मूर्ति बनाते हैं, उस समय जो फीलिंग आती है और जब विदाई होती है, तो वो एक कलाकार के रूप में कैसा देखते हैं? से कलाकार इसे खराब लगती है विदाई जाती है, लेकिन ये हमारा बिजनेस है जी। और प्रतिमा जल भाषण नहीं होगा तो हमारा रोजी रोजगार कैसे चलेगा जी जी। तो ये तो दुर्गा माँ की प्रतिमा बनाते हैं कि हर तरह की? हर तरह की। आपके कोलकाता में बड़े बड़े पंडाल में भी बनते होंगे प्रतिमा? अच्छा दादा, ये जो मूर्ति की लागत होती है, मिनिमम कितने से शुरू होती है आपके यहाँ? मिनिमम जो प्राइस होता है इसका? 30,000 20,000 से स्टार्ट होता है। लास्ट तक आपने कहाँ तक बनाया है? 4 लाख 4 लाख। तो उसमें क्या खासियत होती है, मतलब वो साज, उसका साज अलग से है जी। जैसे अभी पीछे जो प्रतिमा है भट्टा दुर्गा वाली की, इसकी लागत लगभग क्या मूल्य है इसकी? इसकी लागत मूल्य क्या है? 2 लाख भव्य होती है ना। अच्छा, तो ये अलग अलग जो मूर्ति देखते हैं, अलग अलग उसमें छवि नज़र आती है, तो ये जो आप बनाते हैं ये दुर्गा माँ की, तो ये कौन सा रूप बनाते हैं? ये ट्रेडिशनल रूप है, ये हमारा कोलकाता का मशहूर ट्रेडिशनल रूप, ये राजा कृष्णचंद्र का उसका बाड़ी का ये रूप था, इसीलिए वही रूप कर बाग बाजार सार्वजनिक में आया है, इसीलिए ये ट्रेडिशनल रूप हो गया। ऐसे ही प्रतिमा 1000 चल रहा है। तो आपने जो कोलकाता से कलाकार आए हैं उनसे बात की कि ये इनका ट्रेडिशनल प्रोफेशन है और ये जो शुरू से करते आ रहे हैं यहाँ पर काम, हालांकि ये काम जो है ये बचपन से ही करते आ रहे हैं और अभी जो मूर्ति बना रहे हैं 50-60 जगह पूरे भारतवर्ष में बना रहे हैं, खासकर पूर्णिया और अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ भी प्रतिमा बना रहे हैं। अलग ट्रेडिशनल है, राजा महाराजों के ज़माने से जो जिस तरह की प्रतिमा बनाई जाती थी वो बनाने की कोशिश की गई है। इस बार अलग रूप में पूर्णिया दिखेगा अलग अलग पूजा पंडालों में। अब हम बात करेंगे आपको गोकुल सिंह ठाकुरवारी की, यहाँ पर भी काफ़ी पुराना मंदिर है और ये पुराना मंदिर जो है यहाँ भी पंडाल बड़े बड़े बनते थे, लेकिन मंदिर का अब निर्माण हो चुका है, बड़े बड़े गुम्बद बन चुके हैं, आप देख सकते हैं किस तरह, इस कारण से काफ़ी विख्यात है। और विख्यात इस तरह भी है कि यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है और बहुत बड़ा मेला लगता है जो आप दृश्यों में देख रहे हैं, दुकानदार भी आए हुए हैं अपने दुकान को लगा रहे हैं, झूले भी आए हुए हैं। और ये भी मेला जो है 8-10 दिन का रहता है, यहाँ भी पूर्णियावासी मेले का लुत्फ लेने के लिए आते हैं। और अब मधुबनी की बात कर ली जाए, मधुबनी में भी काफ़ी भव्य पूजा अर्चना होती है, अब मंदिर बन चुका है, पहले पंडाल में पूजा होती थी मगर धीरे धीरे मंदिर बनने से अब मंदिर में जो मूर्ति है वो भी स्थापित हो चुकी है और भी जगह पे पूजा अर्चना हो रही है। हम तमाम जानकारी आप तक अपडेट देते रहेंगे, आप देखते रहेगा कोशियालोक। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप, कोशियालोक न्यूज पूर्णिया। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH 31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में
गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर बीएन कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, 2400 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 2400 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन, 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक आईसीयू और सीसीयू। बीपीएल कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार, वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, माँ अंबे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NH31 बाईपास बेलोरी, पूर्णिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, माँ अंबे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NH31 बाईपास बेलोरी, पूर्णिया।